विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन के नाम से है। इसी नाम से किसी अज्ञात बदमाश ने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर युवती की अश्लील पोस्ट डाल दी। सोमवार सुबह सामने आई इस पोस्ट के बाद लोगों ने मंदिर समिति को शिकायत दर्ज की। मामले में समिति ने महाकाल थाने में शिकायत कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में उल्लंघन और 188 की धाराओं में केस दर्ज किया है। जय श्री महाकाल। आज को श्रद्धालुओं द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में फ़ोन कर करके बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट चल रही है, फर्जी पेज बनाया गया है जिसमें कुछ गलत चित्र डाले गए, उसके संबंध में महाकालेश्वर मंदिर द्वारा उसके खिलाफ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। किस नाम से बनी थी वेबसाइट? महाकालेश्वर मंदिर के नाम से बनी थी। महाकाल मंदिर समिति के IT सेल के कर्मचारी द्वारा थाना महाकाल पर सूचना दी गई थी कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से फेसबुक पर एक IDचल रही है जिसमें महाकाल के वीडियो भी डाले जा रहे हैं और एक कोई आपत्तिजनक वीडियो भी उस पर अपलोड किया गया है और उसके द्वारा स्क्रीनशॉट की जानकारी की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके आधार पर IT एक्ट और IPC के तहत महाकाल थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी आरोपी अज्ञात है और आरोपी ज्ञात करने के लिए साइबर सेल की मदद लेके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर समिति के द्वारा बाबा महाकाल के कई सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, इसमें से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन के नाम का भी फेसबुक का अकाउंट है। इसी नाम के जैसा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी अज्ञात बदमाश ने युवती की अश्लील फोटो पोस्ट कर दी। 29 जनवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे सौरभ नामक व्यक्ति ने मंदिर के कंट्रोल रूम पर फोन कर सूचना दी है। वही शिकायत के बाद महाकाल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 181 और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।